नमस्कार, मैं अभिनव। सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर एक नया खुलासा अब सामने आ रहा है। एम्स की टीम ने फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है, जिसमें ये बात खुलकर सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में मर्डर का एंगल ना होकर आत्महत्या का एंगल अब दिखने लगा है। कुछ महीने पहले जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ बॉडी उनके फ्लैट में मिली थी, इसके बाद से ही उनके फैंस इस केस को सॉल्व करने की मांग कर रहे थे। इनमें से कुछ ने उसे आत्महत्या तो कुछ ने उसे हत्या बता दिया। इस दौरान नेपोटिज्म का एक बहुत ही बड़ा बहस देश भर में छिड़ा, जिसमें डायरेक्टर स्टारकिड्स और फिल्म मेकर पर भी सवाल उठाए गए। और इसका असर इतना हुआ कि आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 पूरी तरह से पिट गई, या यूं कहें कि सड़क 2 सड़क पर ही आ गई। ये तो था इंडस्ट्री का हाल, पर इस केस में मीडिया, नेता, अफसर और राज्य कुछ नहीं बचा, सब इन्वॉल्व हुआ। इस पर राजनीति हुई, मीडिया ने अपनी राजनीति की, बिहार और महाराष्ट्र के नेताओं ने अपनी राजनीति की, समाज सेवकों ने सुशांत के नाम पर अपनी राजनीति करना शुरू कर दी, और सब ने अपने अनुसार सुशांत के केस को हत्या या आत्महत्या बताने की भरपूर कोशिश की। फिलहाल अब ये रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मर्डर का एंगल ना होकर केवल आत्महत्या का एंगल है। अब ये देखना होगा कि सीबीआई आगे की कार्रवाई क्या करती है। आगे जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डी पीपल वॉइस।